नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल किस्सों का कारवा पर। मैं हूं आपका दोस्त आनंद और आप मुझे सुन रहे हैं किस्सों का कारवा के साथ एक और नई कड़ी लेकर के। आज हम बात करेंगे दोस्तों शेखावाटी के प्रसिद्ध नृत्य कच्ची घोड़ी नृत्य के बारे में। दोस्तों कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है और इसको शेखावाटी का व्यावसायिक नृत्य भी बोला जाता है। इस नृत्य की खासियत क्या है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों एक बार इसके बारे में राजस्थान के प्रतिस्पर्धात्मक एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ लिया गया था कि कच्ची घोड़ी नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है। इसके अंदर ऑप्शन के अंदर शेखावाटी क्षेत्र दे भी नहीं रखा था, जबकि डीडवाना नागौर के कुछ एरिया दे रखे थे, कुचामन जैसे। और उसके जो संभावित आंसर माना गया था वो डीडवाना और नागौर जो सीमावर्ती क्षेत्र लगते हैं सीकर के, उनको सही माना गया था। दोस्तों आज हम इसके पीछे का राज जानना चाहेंगे कि कच्ची घोड़ी नृत्य को आखिर करने का राज क्या है। दोस्तों किसी ज़माने के अंदर सीकर के 3 और नागौर के 5 कुल 8 लोग मिलकर के जमा पूंजी इकट्ठी करके अपने ही जनपद के महाराष्ट्र में घोड़े खरीदने के लिए निकले। दोस्तों जब ये 8 लोग महाराष्ट्र पहुँचे 2-4 दिन में आराम से सफ़र करके, और उन्होंने 8 घोड़े खरीदे खुद के लिए, और जब ये घोड़े खरीद लिए और उनको वापस लेकर के निकल रहे थे। दोस्तों जब महाराष्ट्र से ये लोग वापस निकले तो निकलते समय उनको सीमा क्षेत्र में आकर के कहीं ना कहीं रात हो गई, और रात होने के कारण वो वहीं रुक गए और घोड़ों को पेड़ के बांध करके वहीं गहरी नींद में सो गए। दोस्तों जब ये गहरी नींद में सो रहे थे और घोड़े बंधे हुए थे, तो एक मराठा सरदार जो अपने ग्राम का मुखिया था वो गश्त के ऊपर निकला रात को 12 बजे। जब गश्त पे अपने 10-20 लोगों के साथ निकला तो उसने इन आदमियों को सोते हुए देखा। जब ये आदमी सो रहे थे तो इनके सोते हुए आदमी को गहरी नींद में देखने के बाद उसने वो 8 के 8 घोड़े खोल करके अपने घर ले गया। उसने सोचा इनके कौन सी नंबर प्लेट लगी हुई है, इनका कोई पता भी नहीं चलता, इनको ले कर चलो करके वो 8 के 8 घोड़े अपने घर ला करके बांध दिए। अब अपने वाले लोग जो राजस्थानी शेखावाटी के लोग थे, जो खड़े होकर के सुबह 10-11 बजे उठे और उन्होंने देखा गहरी नींद में सोए हुए सुबह जल्दी 10-11 बजे उठ के उन्होंने देखा तो घोड़े गायब, तो उन्होंने सोचा इधर उधर ही रस्सी तुड़वा करके चले गए होंगे खाने पीने के लिए घूमने के लिए। तो उन्होंने पड़ोस के गाँव में संपर्क किया और पड़ोस के गाँव में सबसे पूछा तो सबने मना कर दिया कि उन्होंने इनके घोड़े देखे नहीं। और बात भी सही थी क्योंकि रात में गश्त पे सरपंच जी थे और इनको क्या पता कि घोड़े कौन ले गया। फिर उन्होंने पूछा कि गांव का मुखिया कौन है, तो उन्होंने मराठा सरदार के बारे में इंगित किया। जब ये वहाँ पहुँचे तो घोड़े शान से चल रहे, बढ़िया दाल वाल खिलाई जा रही उनको, तो वो देख करके घोड़ों को वहाँ पे खुश हो गए। जब घोड़ों को देखे तो पता चला कि ये तो अपने वाले ही घोड़े हैं। फिर सरपंच जी से बात की तो सरपंच जी ने कहा कौन से घोड़े, ये तो मेरे अपने हैं, यहाँ से चले जाओ ना वरना पिट के जाओगे। अब उन 8 लोगों को और ज़्यादा संशय हो गया, अब 8 आदमी दूसरे देश में करे तो क्या करे, मान माँ का जाया देश पराया, वो वाली बात हो गई। दोस्तों इसके बाद में वहाँ से निकले, वापस आए और उसी पेड़ के नीचे बैठ कर के उन्होंने सोचा घोड़े तो ले करके चलेंगे, नहीं तो अपनी मट्टी पलीत उधर हो जाएगी जाने के बाद, लोग ताने मारेंगे पूरी ज़िंदगी भर की घोड़े लेने गए थे, खाली हाथ ला के आ गए, पैसे फिर लगवा के आ गए। अब उनमें से कोई समझदार आदमी था, उसने बोला या तो घोड़े लेके चलेंगे या मर के चलेंगे, कम से कम अपने को इज्जत की तो बात रहेगी। और ऐसा सोच करके उसने प्लानिंग बनाई और बोला कि सब 8 के 8 रात को 12 बजे वापस चलेंगे, घोड़े खोलेंगे, घोड़े खोलते समय अगर आवाज़ हो जाती है, लोग आ जाते हैं, तो हम युद्ध लड़ेंगे और घोड़े अपने लेकर के चलेंगे, अगर कोई नहीं जगता है तो घोड़े लेकर के हम यहाँ से तुरंत निकल जाएंगे। ये प्लान बना करके वो रात को 12 बजे निकले और सरपंच जी के घर पे, उस मराठा सरदार के घर पे पहुँचे। जब देखा तो सब सो रहे थे और उन्होंने घोड़े खोलते खोलते लास्ट में आवाज़ हो गई तो उनकी जाग पड़ गई, और जाग जैसे ही पड़ी, जाग पड़ने के बाद में वहाँ पे कम से कम 80 से 100 आदमी इकट्ठे हो गए और सब हथियारों के साथ। उस समय उनके लिए बड़ी विकट समस्या खड़ी हो गई, अब उनके पास हथियार भी नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई कुछ नहीं। उसके बाद उन्होंने जैसे तैसे करके अपने पराक्रम के बल पर उनके ही हथियार छीन के और उन 80 लोगों से युद्ध किया और उनको वहीं पछाड़ करके आ गए।
और पछाड़ के आ गए तो कुछ 10-20 बच्चे उनको घोड़े पर बैठ करके लटकाते हुए वहाँ गांव की सीमा से बाहर निकल गए और जितना जल्दी आ सकते थे सीधा वो सेकावाटी एरिया में आकर के पहुँच गए। यहाँ जब आकर के पहुँचे तो उन्होंने एक डांस किया घोड़े को, घोड़े की काठी बना करके उसको 8 जनों ने डांस किया। ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा डांस है जिसके अंदर पैटर्न कला फॉलो होती है, खिलते हुए कमल और मुरझाते हुए कमल जैसी आकृतियां बनाई जाती है। और बताया जाता है कि राजस्थान के चुनिंदा डांस में से एक नृत्य ये है, और काछी घोड़ी नृत्य को फिर नाम काछी घोड़ी नृत्य वहाँ से मिला, और उसके बाद में वही 8 लोगों का पैटर्न आज तक काछी घोड़ी नृत्य में फॉलो होता है और सेकावाटी एरिया का प्रसिद्ध नृत्य है। वो 8 लोगों को गाँव इतने गिर गए थे कि बांस की खपच्चियाँ कमर को लगा करके उन्होंने ये डांस किया था, जिसकी वजह से ये चलन ही पड़ गया। उसके बाद में काछी घोड़ी नृत्य चलन में आ गया। उसके बाद हर बार ये काछी घोड़ी नृत्य सेकावाटी में किया जाता है और एक व्यावसायिक नृत्य है, सेकावाटी की पहचान है। और नागौर के कुछ ज़िले जैसे कुचामन डीडवाना के अंदर भी ये नृत्य किए जाते हैं, इसलिए इसको केवल सेखावाटी एरिया बोले तो केवल सेखावाटी सीकर चूरू झुंझुनू न समझे। इतिहास के अगले किस्से में फिर एक नई कड़ी लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको हमारे इतिहास के ऐसे वाकये पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।